हेलो गाइज, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। देखिए सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखिए आज के सेशन की। आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 40 में पीटीटी और बीएसटी से एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखिए आज के सेशन की। देखिए सभी को सेशन को लास्ट तक देखना है और फिर आपको बताना है कि आपके देखिए 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। सभी को बताना है 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखिए आज के सेशन की। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारण मापनी द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों का अधिगम औसत निकाला जाता है। जो निर्धारण मापनी है उसके द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों का अधिगम औसत निकाला जाता है क्योंकि उनका अधिगम स्तर मापा जा सकता है। क्या जो हम समय समय पर विद्यार्थियों का अधिगम औसत निकालते हैं तो क्या इससे उनका अधिगम स्तर यानी उन्होंने कितना सीखा है इसका मापा जा सकता है, या फिर यह आधुनिक शिक्षा प्रणाली में उल्लेखित है कि विद्यार्थियों का जो अधिगम औसत है वह मापना चाहिए, या फिर इससे अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन समेकित किया जाता है, या फिर क्योंकि ऐसा करने पर शिक्षक को वेतन प्राप्त होता है। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए निर्धारण मापनी द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों का अधिगम औसत निकाला जाता है क्योंकि इससे क्या होता है, अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन देखिए समेकित किया जाता है। ऑप्शन ग देखिए राइट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन ग आंसर दिया है देखिए उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है, लिखित परीक्षा के अंतर्गत मूल्यांकन पद्धति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता यह होती है कि इसमें प्रश्न आकस्मिक ढंग से निर्मित होते हैं, या फिर यानी अचानक प्रश्न पेपर बनाया जाता है, या फिर यह पाठ्यक्रम से परे भी हो सकता है। जो मूल्यांकन का पेपर होता है वह पाठ्यक्रम से परे यानी पाठ्यक्रम से अलग भी हो सकता है, या फिर इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्व सूचित करके निर्धारित समय पर प्रश्न पत्र के रूप में प्राप्त होता है। यानी जो देखिए जो मूल्यांकन पद्धति है इसमें क्या होता है, जो संपूर्ण पाठ्यक्रम होता है वह पूर्व सूचित कर दिया जाता है बच्चों को कि आपके देखिए इतने पाठ्यक्रम में से इतने सिलेबस में से यानी 75% सिलेबस या फिर 100% सिलेबस में देखिए आपका प्रश्न पत्र आएगा, या फिर यह वार्षिक अधिगम स्तर के वार्षिक मूल्यांकन का लेखा जोखा होता है। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, जो लिखित परीक्षा के अंतर्गत जो मूल्यांकन पद्धति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता देखिए क्या होती है। देखिए प्रमुख विशेषता यह होती है कि इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्व सूचित कर दिया जाता है, पहले ही सूचित कर दिया जाता है कि आपके कितना पाठ्यक्रम आएगा और उसमें से देखिए प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। तो ऑप्शन ग देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीन, सामाजिक परिपक्वता का क्या अर्थ है। बालक का फल की भांति पकना। अब देखिए सामाजिक परिपक्वता देखिए क्या होती है, सबसे पहले समाज के सभी गुणों से एक परिपूर्ण व्यक्ति होगा, यानी समाज के देखिए सभी गुण क्या होगा, समाज की देखिए एक तो संस्कृति, समाज की परंपरा, यदि इनका पालन और जो समाज में जो कानून बनाए गए हैं उनका देखिए पालन करेंगे तो क्या होंगे, सामाजिक परिपक्वता देखिए सामाजिक परिपक्वा होगा एक व्यक्ति। तो देखिए सामाजिक परिपक्वता का क्या अर्थ है, बालक का फल की भांति पकना, बालक में समृद्धि एवं विवेक का विकास होना, बालक में सामाजिक कुशलता
कुशलता का विकास होना या फिर बालक का प्रौढ़ के समक्ष यानी जो बूढ़े लोग हैं उनके समक्ष संतुलित सामाजिक वैभव प्रदर्शन करना, यानी जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं, जो बूढ़े व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, उनके समक्ष संतुलित सामाजिक वैभव का देखिए प्रदर्शन करना। तो देखिए सामाजिक परिपक्वता का क्या अर्थ होगा, बालक में सामाजिक कुशलता का विकसित होना। ऑप्शन ग देखिए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। जो बालक बालिकाएं हैं इनके सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण देखिए क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है, विद्यालय को। जो बालक बालिकाएं होती है क्या वे विद्यालय का अभिकरण करती है या फिर माता पिता एवं परिवार का या समुदाय का या फिर जन संचार माध्यम का। तो देखिए बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण किसे कहा जाता है, माता पिता और व्यवहार को। ऑप्शन ख राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, जन चेतना जागृत करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं कहेंगे या फिर पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे। देखिए आप एक भावी टीचर हो और आपको सामाजिक बुराई को दूर करना है तो आप देखिए क्या करेंगे, जन चेतना जागृत करेंगे यानी लोगों में चेतना जागृत करेंगे सामाजिक बुराई को दूर करने की। ऑप्शन क राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण उपकरण अधिक योगदान देता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यदि क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो देखिए आपको आंसर देने में हिचकिचाहट देखिए नहीं होगी, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राथमिक कक्षा, तो देखिए यह हमने आपको पहले ही बता दिया, तो जो 105वीं तक कक्षा होती है उसे बोलते हैं प्राथमिक कक्षा। तो देखिए प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम यानी सीखने की जो प्रभावात्मक जो क्रियाएँ हैं यानी अधिक सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण। अब देखिए संप्रेषण क्या होता है, विचारों को आदान प्रदान करने का जो उपकरण होता है वह कौन सा अधिक योगदान देता है, दृश्य स्रोत यानी क्या प्राथमिक कक्षा के लिए दृश्य स्रोत यानी देख कर क्या वो सीख सकते हैं, जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं वो बिना कुछ सुने देख कर सीख सकते हैं, या फिर कार्यप्रक स्रोत या फिर द्विसांकेतिक स्रोत या फिर सर्वे स्रोत, क्या वो सुनकर सीख सकते हैं, क्या वो बिना देखे सुनकर सीख सकते, देखे नहीं सीख सकते, देखकर भी नहीं सीख सकते, यह क्या है कार्यप्रक स्रोत होगा। ऑप्शन ख राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, संप्रेषण होना चाहिए। अब देखिए संप्रेषण कैसा होना चाहिए, शिक्षण अधिगम में हाव भाव सहित जो संप्रेषण होता है वो क्या हाव भाव सहित होना चाहिए। अब हाव भाव देखिए क्या हो गया, जो हम अंग संचालन करते हैं हमारे हाथों के इशारों से, आंखों के इशारों से ये बताते हैं, ये क्या हो जाएगा हाव भाव सहित होता है। तो क्या संप्रेषण होता है वह शिक्षण अधिगम में हाव भाव सहित होना चाहिए, शिक्षण अधिगम में स्पष्टता लिए हुए होना चाहिए या फिर शिक्षण अधिगम में द्विमार्गी होना चाहिए या फिर एक मार्गी होना चाहिए। तो देखिए संप्रेषण कैसा होना चाहिए, द्विमार्गी होना चाहिए। अब देखिए द्विमार्गी का अर्थ क्या है, द्विमार्गी का मतलब संप्रेषण के लिए दो व्यक्ति देखिए आवश्यकता है, विचारों का आदान प्रदान हम दो व्यक्तियों के मध्य ही तो कर सकते हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि एक संप्रेषण करता होगा वो अपना संप्रेषण करेगा यानी विचारों का आदान प्रदान करेगा, तो उसके विचार सुनने के लिए देखिए दूसरा व्यक्ति भी होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, संप्रेषण का अर्थ है अनुभव साझा करना, ज्ञान का संरक्षण करना, संपर्कें बताना या फिर परंपरा विचारों और भावनाओं की साझेदारी करना। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, संप्रेषण का अर्थ क्या है, परंपरा विचारों और भावनाओं की देखिए साझेदारी करना यानी एक दूसरे को के सामने विचार प्रस्तुत करना। ऑप्शन घ देखिए राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एक विद्यालय में प्रभावी संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक विद्यालय होता है उसमें प्रभावी संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य देखिए क्या होता है। छुट्टियों के बारे में सूचित करना, विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित सुधार करना, विद्यालय में सौहार्दपूर्ण वातावरण विकसित करना या फिर सूचना एवं आदेश देना। तो देखिए विद्यालय में जो संप्रेषण की आवश्यकता होता है, विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित सुधार करना, ऑप्शन ख राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित में से देखिए कौन सा है? स्वीकार्यता, स्पष्ट विचार, उपयुक्त माध्यम या फिर जटिल भाषा। तो देखिए संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? उपयुक्त माध्यम। यानी यदि हमें हमारे पास संप्रेषण का कुछ माध्यम ही नहीं है, यानी विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हमारे पास कुछ माध्यम ही नहीं है, कुछ ऐसी बात ही नहीं है जिससे हम हमारे विचार प्रकट कर सके उस पर। तो यदि उपयुक्त माध्यम नहीं होगा तो हम देखिए विचार प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो देखिए संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व क्या होगा? उपयुक्त माध्यम होगा। उपयुक्त माध्यम होगा तभी हम उसमें जटिल भाषा या फिर स्पष्ट विचार देखे कुछ भी कह सकते हैं। तो महत्वपूर्ण तत्व होगा इसमें उपयुक्त माध्यम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षण की प्रकृति कैसी है? शिक्षण की प्रकृति है वह कैसी है? विज्ञान, कला और कौशल, कला और विज्ञान या फिर विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है। तो देखिए शिक्षण की प्रकृति कैसी है? कला और विज्ञान, ऑप्शन ग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। बालक के अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है? बालक को आपको कुछ सिखाना है तो उसके लिए कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देगी? देखकर सीखने वाली या फिर याद करके सीखना, सुनकर सीखना या करके सीखना। तो देखिए बालक के अधिगम के लिए कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है? करके सीखने वाली, ऑप्शन घ राइट आंसर होगा। ऑप्शन घ देखिए इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। एक बालक का अधिगम निम्नलिखित अधिगम ढांचे से सर्वाधिक प्रभावित होता है। कौन से ढांचे से बालक का अधिगम सर्वाधिक प्रभावित होता है? शोर रहित अलग कक्ष, विद्यालय में। एक बालक को अधिगम किस में कहाँ करवाना चाहिए? शोर रहित अलग कक्ष में, विद्यालय में, भाई बहनों के साथ में या फिर उसके अपने सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ग, उसके अपने सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में बालक को देखिए अधिगम करवाना चाहिए, ऑप्शन ग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की एक महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है? सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की एक महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी होगी? सामाजिक संवेदनशीलता, विषय ज्ञान। अब देखिए सभी स्तरों के लिए यानी विभिन्न प्रकार के स्तर, जैसे प्राथमिक स्तर है, उच्च प्राथमिक स्तर है, माध्यमिक स्तर है, उच्च माध्यमिक स्तर है, इनके लिए अध्यापक की एक महत्वपूर्ण योग्यता देखिए कौन सी होनी चाहिए? एक अध्यापक में सामाजिक संवेदनशीलता होनी चाहिए, उसे विषय का ज्ञान होना चाहिए, उसका प्रभावी नेतृत्व होना चाहिए या फिर उसे अनेक विधियों का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? एक अध्यापक की महत्वपूर्ण योग्यता देखिए कौन सी होनी चाहिए? उसे अपने विषय का देखिए ज्ञान होना चाहिए, जो विषय पढ़ा रहे हैं उनका देखिए ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। यदि एक अध्यापक अपने कार्य को क्या करता है? नकारता है, यानी अपने कार्य से दूर भागता है और कक्षा शिक्षण से बचता है, तो इसका कारण क्या होगा? क्या कमी होगी उस
अध्यापक में जिससे वह अपने कार्य को नकारता है यानी नहीं करना चाहता और कक्षा शिक्षण से बचता है। तो इसका देखिए कारण क्या होगा, नैतिक मूल्यों का अभाव यानी उसमें नैतिक मूल्यों का की कमी है, या फिर शिक्षण अभी क्षमता का अभाव है उसमें, या फिर कार्य करने की क्षमता का अभाव है, या फिर व्यावसायिक नैतिकता का देखिए अभाव है। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, यदि एक शिक्षक में व्यवसाय नैतिकता का अभाव होगा तो वह अपने शिक्षण से बचना चाहेगा और अपने कार्य को देखिए नकारना चाहेगा। ऑप्शन घ राइट आंसर होगा, व्यवसायिक नैतिकता का अभाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पृष्ठ पोषक आवश्यक है। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है इसमें पुनर्बलन आवश्यक क्यों है, अध्यापक के लिए, विद्यार्थियों के लिए, या फिर अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के लिए, या फिर कक्षा में कर्मोन्नति के लिए। तो देखिए पृष्ठ पोषण क्यों आवश्यक है, पुनर्बलन जो फीडबैक होता है वो क्यों आवश्यक है, कक्षा में कर्मोन्नति के लिए यानी कक्षा में जैसे कर्म किए हैं उसकी उन्नति के लिए देखिए पृष्ठ पोषण आवश्यक है। ऑप्शन घ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। एक अध्यापक में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए कक्षाओं की समस्याओं के समाधान हेतु, विद्यार्थियों के नियंत्रण हेतु, योजना क्रियान्वयन हेतु, या फिर शिक्षण को गति देने हेतु। तो देखिए एक अध्यापक में नेतृत्व क्षमता क्यों होनी चाहिए, शिक्षण को गति देने हेतु। ऑप्शन घ देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। एक नेता में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य गुण होना चाहिए, एक नेता होगा उसमें कौन सा गुण मुख्य होना चाहिए, बुद्धि की श्रेष्ठता उसमें होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, आत्मविश्वास और साहस होना चाहिए, या फिर इच्छा शक्ति और निर्णय योग्यता देखिए होनी चाहिए। तो देखिए एक नेता का कर्तव्य क्या होता है, उसे अपने समूह में निर्णय लेने की देखिए उसमें योग्यता होनी चाहिए यानी सही गलत को देखकर यानी उसे जज करना है कि हमें हम सही कर रहे हैं या गलत का साथ दे रहे हैं, तो उसमें निर्णय करने की योग्यता देखिए होनी चाहिए, इच्छा शक्ति और निर्णय की योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, एक अच्छे नेता में निम्नलिखित मुख्य योग्यता होनी चाहिए, कौन सी योग्यता होनी चाहिए एक अच्छे नेता में, दल का गठन और उद्देश्यों की प्राप्ति करना, व्यक्तियों का सहयोग लेना, दूसरों को अभिप्रेरित करना, या फिर ऑप्शन 4 है कार्य के लिए दूसरों को आदेश देना। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, एक नेता की मुख्य योग्यता क्या होनी चाहिए, दल का गठन करना चाहिए और उद्देश्यों की देखिए प्राप्ति करना चाहिए। ऑप्शन क राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य देखिए क्या होता है, कार्य की पहल करना, व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन करना, निर्देश देना, या फिर संगठन को एक करना और निर्णय लेना। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा, संगठन को एक करना और निर्णय लेने का कार्य होता है एक नेता का। ऑप्शन घ राइट आंसर होगा। तो चलिए क्लास को देखने के लिए देखिए सभी को धन्यवाद, और अब आप सभी को बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। देखिए इससे आप अपनी IQ जान सकते हो कि आपने देखिए कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो सभी को बताना है 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। चलिए आपको यदि सेशन अच्छा लगा हो तो देखिए आप सेशन को लाइक ज़रूर करना, यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो देखिए सेशन को आपको लाइक करना है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, क्लास को देखने के लिए देखिए सभी को धन्यवाद।